So here we are looking for the velocity of image with respect to mirror. We have seen velocity of object, velocity of image with respect to mirror. हमने देख लिया direct differentiation से ये find हो जाता है. लेकिन जब velocity of image with respect to ground की बात करेंगे, इसके दो अलग अलग analysis हो जाएंगे. एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूंगा मैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. परपेंडिकुलर मतलब कि मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर, मिरर के प्लेन पे जो परपेंडिकुलर होगा उस कंपोनेंट की बात करेंगे, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी. तो आप देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिखते हैं हम, माइनस ऑफ इमेज का पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर. फिर इसको डिफरेंशिएट करते हैं और वेलोसिटी हमें मिलता है क्या, ऑब्जेक्ट का विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर. अब आप इसको ग्राउंड फ्रेम में अगर लिखना चाहते हो तो क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम. अगर मैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन यहाँ पे इस तरीके से मिरर को प्लेस कर दूं, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, द परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज अलोंग एक्स एक्सिस. तो मैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ इमेज इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स. यहां से फिर आप क्या लिखोगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड will be twice of velocity of mirror with respect to ground minus velocity of object with respect to ground in x. ये अब आपको यहाँ पे एकदम वेक्टर के फॉर्म में ही चीजें सारी की सारी लिखनी होंगी, लिखनी भी चाहिए क्योंकि जब आप इसको परफेक्ट पोजीशन डायरेक्शन सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो तो आपको वेक्टर के फॉर्म में लिखने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए. तो जो मिरर का ओरिएंटेशन होगा, उस मिरर के ओरिएंटेशन पे परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो भी होगा वेलोसिटी का, वो क्या होगा, ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स. ठीक है, ये आप समझ जाओगे यहाँ पे. इसके बाद ये तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, परपेंडिकुलर टू व्हाट, द प्लेन मिरर. नाउ इफ यू सी द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पैरेलल कंपोनेंट of velocity, ये क्या हो जाएगा, parallel component of velocity. आपको पता है कि अगर ये mirror है और object इस तरीके से अपना position change कर रहा है तो ये x है, object का position with respect to mirror x component, और ये y component of object with respect to mirror. आपको पता है कि parallel component में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये जैसा ओरिएंटेशन मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है मिरर का उसके हिसाब से लिख रहा हूँ. सो द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ इमेज पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर विल बी सेम एज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ ऑब्जेक्ट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू मिरर. इट मींस इफ यू डिफरेंशिएट दिस यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन वाई, या फिर आप ऐसा लिखो वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror in y direction equals to velocity of object with respect to mirror in y direction. इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं है कि अजीब सा मैं लिख रहा हूँ अजीब सा इसलिए कि आपको थोड़ा सा क्लैरिटी रहे चीजों के बारे में. इसको फर्दर मैं लिखूँ तो आई विल सिंपली राइट वेलोसिटी ऑफ इमेज इन y डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन y डायरेक्शन. तो यहाँ पे दो डेरिवेशंस हुए हैं, आप इन दो फॉर्मूले को देखो, एक ये फॉर्मूला है और दूसरा ये वाला फॉर्मूला. तो अब मैं एक क्वेश्चन आपके लिए लिखता हूँ यहाँ पे, आप थोड़ा इसको सॉल्व. क्वेश्चन इस तरीके से है कि एक प्लेन मिरर है आपके पास यहाँ पे, दिस इज अ प्लेन मिरर, और इस प्लेन मिरर पे एक कोई भी ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 10
मीटर पर सेकंड की स्पीड से विद रेस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल 53 डिग्री एंगल बनाता है, 53 डिग्री एंगल बनाता है, ठीक। और मिरर के पास भी अपनी वेलोसिटी है, मिरर इस डायरेक्शन में जा रहा है 2 मीटर पर सेकंड, मिरर इज मूविंग इनटू द लेफ्ट विद 2 मीटर पर सेकंड, दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज। जब ऐसा किसी क्वेश्चन में डायरेक्ट पार्टिकल या ऑब्जेक्ट के बारे में लिखा होता है, इसका मतलब आप क्या समझते हो कि विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछा जा रहा है। आई विल गिव यू 3 मिनट्स टू गेट द आंसर और 2 मिनट्स टू गेट द आंसर, क्योंकि पहली बार ये ऐसा क्वेश्चन आपको मैंने दिया। सो इन दिस क्वेश्चन इफ यू सी द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट has two components, one is along x-axis, another one is along y-axis. X के along जो component है velocity की वो कितनी है, तो 10 cos 53 that is ये आ गया आपका 6 meter per second, और 10 sin 53 ये आ गया कितना 8 meter per second. तो अगर पहले मैं परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करूं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए क्या करेंगे, वेलोसिटी ऑफ इमेज एक्स डायरेक्शन में इट विल बी, जब हम एक्स में लिख ही रहे हैं तो वेक्टर लगाने की कोई जरूरत नहीं है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट विल बी ट्वाइस ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर इन एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन एक्स। तो देखिए मिरर की वेलोसिटी किधर को है, पीछे की तरफ, बैकग्राउंड 2 into -2, ओके। द मिरर हैज वेलोसिटी टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, सो 2 into -2, और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी शायद इनका आंसर सही लग रहा है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है एक्स में 6, so it will be what, minus of 10 meter per second. इसको जरा चेक करना पड़ेगा, एक सेकंड रुको मैं। Now come to the parallel component. अगर parallel component की बात करें तो वो तो change होता ही नहीं, so parallel component will be velocity of image in y direction will be 8 है तो ये 8 ही रह जाएगा, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है इसके पास इमेज जो है उसके पास वेलोसिटी कितनी होगी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकंड और y डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकंड, ये आ जाएगा आंसर। रिजल्टेंट आप देख लो कितना आ रहा है, रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी, अगर आप इसको b लिख दो, क्या फाइंड करोगे, अंडर रूट 10² + 8² दैट इज 164। देख लेना ये कितना आ रहा है, दिस विल बी द आंसर। आई थिंक किसी का नहीं आया करेक्ट आंसर, किसी का भी करेक्ट आंसर नहीं आया। फिर आपसे ये एंगल भी पूछा जा सकता है, तो एंगल के लिए ये क्या आ जाएगा, 10 थीटा करके 8/10 कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है इसको सॉल्व करने का, आप आंख बंद करके अगर वैल्यू पुट करेंगे फॉर्मूले में तो नहीं चलेगा। सो ये यू कैन सी द आंसर। एक और प्रॉब्लम हम लिखते हैं यहाँ पे, ये आईआईटी जेई में पूछा गया है ये सवाल, तो मुझे लग रहा है 2 मिनट एक्सटेंड हो जाएगा लेक्चर आज। फिर ये एक मिरर रखा हुआ है अपने पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में, और दूसरा मिरर इससे कुछ एंगल थीटा पे रख दिया। ये आईआईटी में पूछा हुआ सवाल है, और जब आप देखोगे यहां से तो ये एंगल है गिवन है, ये दिस इज
थीटा और एक ऑब्जेक्ट, आपको मैं ये बता देता हूं, चलो ये मिरर वन है और ये मिरर टू, एक कोई भी ऑब्जेक्ट यहां से पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, ठीक, आपको क्या करना है, फाइंड द वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज इन मिरर वन विद रेस्पेक्ट टू मिरर टू, विद रेस्पेक्ट टू मिरर टू। चलिए मैं देखना चाहूंगा आपकी मैथमेटिक्स को अगेन, आई विल गिव यू 2 मिनट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एवरीवन। सो इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर वन विद रेस्पेक्ट टू इन मिरर टू। तो यहाँ पे एक कंपोनेंट इसकी वेलोसिटी का देखना मिरर टू के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन पैरेलल टू द मिरर, क्योंकि ये एंगल क्या है थीटा। दिस कंपोनेंट विल बी v cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट जो कि मिरर के परपेंडिकुलर आपको दिखेगा वो होगा v sin थीटा। अगर मिरर टू में आप इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को देखोगे तो जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, मिरर तो स्टेशनरी है, मिरर स्टेशनरी है, आप देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज की मैं बात करूं और विद रेस्पेक्ट टू मिरर तो क्या लिखता हूँ, माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू मिरर। तो यहाँ पे मैं मिरर के रेस्पेक्ट में अगर सारी चीजें लिख रहा हूँ, वैसे भी मिरर स्टेशनरी है, जो मिरर के रेस्पेक्ट में होगा वेलोसिटी वही ग्राउंड के रेस्पेक्ट में होगा। ये वी साइन थीटा वाला कॉम्पोनेंट तो यहाँ पे रिवर्स हो जाएगा और ये v cos थीटा वाला कंपोनेंट चेंज नहीं होता है पैरेलल टू द मिरर। ये तो आपका सेकंड मिरर में जो इमेज बनेगा उसकी वेलोसिटी होगी और कहीं रिजल्टेंट आपको इस डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक। उसके बाद अगर मैं इसका इमेज मिरर वन में ऑब्जर्व करूं तो जिस, अब देखो जो मिरर वन के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो पैरेलल टू द मिरर है, इसका मतलब यही सेम वेलोसिटी हो जाएगी इसकी यहाँ पे भी फर्स्ट मिरर के रेस्पेक्ट में भी। तो यहाँ पे इसका ये वाला कंपोनेंट क्या आ जाएगा, v cos थीटा और एक ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा, क्योंकि जो थीटा एंगल दिया गया है उसके रेस्पेक्ट में मैं लिख रहा हूं। अब आपको क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट इमेज विद रेस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड इमेज करनी है सॉ। तो यहाँ पे आप देखो कि कौन कौन से कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी कैंसिल हो जाएंगे, तो v cos थीटा और v cos थीटा कैंसिल हो जाएगा और ये v sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से क्या हो जाएंगे, एड हो जाएंगे। So, सिर्फ मैग्नीट्यूड की वेलोसिटी 2v sin थीटा वाज द आंसर। ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था जेईई मेंस का।